सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको अपने JioFiber का 8 मंथ का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मेरे पास आज इसमें वीडियो में बताऊँगा कि कितना बार मेरा इंटरनेट कट हुआ है और साथ ही साथ मेरा सर्विस कैसा रहा है, स्पीड कैसा रहा है, एक भी बार स्पीड डाउन हुआ है कि नहीं। मैं फुल्ली एक्सपीरियंस करके बताने वाला हूँ और साथ ही साथ लास्ट में बता दूँगा आपको कैसे इंस्टॉलेशन लगाना है, साथ साथ आपके गाँव में या विलेज एरिया में मिले कनेक्शन कि नहीं, और आप लोग कितना दूर तक ऐसा एक्सपीरियंस मिल सकता है, उसका रेंज मिलता है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सब कुछ मैं बता दूंगा, ओवरऑल आपको बता दूंगा कि सबसे बेस्ट है कि नहीं, और अपना पूरा 8 मंथ का एक्सपीरियंस बता दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल बने चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार मिल जाएगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग इतना लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को आप लोग ना लाइक करते हैं ना डिसलाइक करते हैं। अगर हम लाइक, अच्छा वीडियो अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ लाइक नहीं करें, आप डिसलाइक कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट भी कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। मेरा जो JioFiber है, मैं 8 मंथ हो गया है मेरा लगाए हुए। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट मंथ मुझे 999 का प्लान था, जिसमें मुझे 150 MBPS का स्पीड मिला था, जिसमें हम लोग को 150 MBPS में लगभग अराउंड 142-143 MBPS स्पीड मिलता था। उसके बाद नेक्स्ट मंथ से मैं 30 MBPS का जो रिचार्ज होता है मैं वो रिचार्ज करवाया, फिर 30 MBPS से मुझे 28-27 मिलता रहता था। तो आपको 27-28 इतना ही मिलेगा, 28.5 MBPS तक स्पीड मिलता है इसमें, जो कि बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। मेरे यहाँ पर तो Jio 4G में तो 1 MBPS स्पीड भी बहुत आना बहुत मुश्किल है, इसलिए JioFiber इसलिए बहुत बेटर काम करता है मेरे लिए। और अगर आपका बहुत लोग क्वेश्चन हुआ कि हम लोग इससे 4K TV पर स्ट्रीम कर सकते हैं या 4K वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, नहीं, जी हाँ, आप लोग 4K वीडियो जरूर स्ट्रीम कर सकते हैं, विदाउट बफरिंग स्ट्रीम होगा, लेकिन 8K नहीं स्ट्रीम कर पाएंगे, 8K स्ट्रीम नहीं हो पाएगा वीडियो YouTube पे। तो आप लोग 4K वीडियो आराम से स्ट्रीम कर पाएंगे। अगर आप लोग के घर में अगर 5 से 6 आदमी है और पीपल घर में फैमिली मेम्बर है या जॉइंट फैमिली है, फिर भी 30 MBPS बहुत इनफ है। और आप लोग के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या ये अनलिमिटेड डेटा है, जी नहीं, ये बिल्कुल अनलिमिटेड नहीं है। जियो की तरफ से बोला था कि ट्रूली अनलिमिटेड है, बट ट्रूली अनलिमिटेड नहीं है। इसमें डेटा कैप लगा हुआ है 3300 TB का, जो कि हर एक कंपनी में जैसे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर है उसमें भी है डेटा कैप लगा हुआ है, तो इसमें भी डेटा कैप लगा हुआ है। साथ ही साथ मैं अब आपको जानना चाहता हूँ कि मेरा कितना बार मेरा इंटरनेट कट हुआ है। तो मुझे इस पूरे 8 मंथ में सिर्फ मेरा 2 बार इंटरनेट कनेक्शन कट हुआ है, जो कि सिर्फ मेरा नहीं हुआ था, पूरे पटना का हुआ था, जो मैं पटना बिहार से हूँ तो पूरे पटना बिहार का हुआ था, वो भी 2 बार हुआ। तो इससे पहले मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है और मैं रेगुलर रिचार्ज किया हूँ, तो मुझे कोई इशू नहीं आया है। और मेरे को स्पीड जब भी चलते रहता है तो एकदम पूरा फुल स्पीड मिलता है। अगर मान लीजिए कोई और डाउनलोड कर रहा है, ऐसे मान लीजिए हम मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, कोई और डाउनलोड कर रहा है, तो स्पीड थोड़ा साउंड डाउन हो जाता है, बट लैन केबल में मुझे अनलिमिटेड बहुत अच्छा स्पीड मिलता है, 28.5 का 28-20 तक मिल जाता है मुझे आराम से। तो अगर आपको भी JioFiber लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। आप लोग का इसका जो प्लान स्टार्टिंग होता है 399 स्टार्टिंग होता है, जो कि आता है हम लोग 30 MBPS बेसिक प्लान से, 30 MBPS का प्लान है, 20 MBPS तक स्पीड मिलता है। अगर आप लोग 100 MBPS का प्लान रिचार्ज करते हैं तो लगभग आपको मिलेगा 98-97 MBPS तक स्पीड मिलेगा, जो कि इसमें भी डेटा कैप लगा हुआ है 3300 TB का। ओवरऑल JioFiber बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से और मेरे एरिया में, और ये सर्विस है जो सर्विस एरिया बाय एरिया होता है और सिटी बाय सिटी होता है। जैसे मेरे एरिया में अगर एयरटेल स्ट्रीम में ज़्यादा सही रहेगा तो मैं एयरटेल स्ट्रीम लेता। अगर आपको एयरटेल स्ट्रीम लेना है तो आपके एरिया में अगर एयरटेल स्ट्रीम ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, ज़्यादा अच्छा सर्विस दे रहा है, अपने आस पड़ोस से जाके पता लगाइए कि कैसा आपको उसको इंटरनेट का स्पीड मिल रहा है, स्पीड और साथ साथ सर्विस कैसा मिल रहा है। मेरे एरिया में JioFiber बहुत अच्छा काम कर रहा है, बाकी सब लोकल नेटवर्क बहुत ज़्यादा ही घटिया है। और घटिया क्या बोले, मेरा अगर 60 MBPS का प्लान लेता हूँ तो मुझे 10 MBPS का स्पीड देते हैं, इससे अच्छा और 800 रुपये भी लेते हैं, इससे अच्छा मैं JioFiber लगवा लिया हूँ तो उसमें 800 रुपये दूंगा, मुझे 100 MBPS का स्पीड मिलेगा, 97-98 मिल जाएगा आराम से, इससे अच्छा तो JioFiber है। इसलिए मैं लोकल एरिया में सबसे रिकमेंड, मेरे एरिया में ज़्यादा, अगर आप पटना बिहार से हैं तो आप प्लीज़ JioFiber लगवाएं, JioFiber से अच्छा कोई बेस्ट नहीं है अगर अपने पटना बिहार से हैं तो। अगर आप लोग किसी और कंट्री से हैं, सॉरी कंट्री नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, अगर आप किसी और सिटी से हैं तो आप लोग अपने आस पड़ोस से पता लगाइए कि आपके एरिया में कौन सा बेटर JioFiber काम कर रहा है, आप वही लगाए। अगर आप लोग को अभी स्पीड टेस्ट कर दिखाता हूँ कि मुझे 30 MBPS में कितना स्पीड मिलता है। तो मेरे पास ये मेरा फ़ोन, सो गाइस जैसे देख सकते हैं आप लोग कि JioFiber है और इसका आसनसोल का नेटवर्क सेलेक्ट किया हुआ है। तो मैं 30 MBPS का स्पीड टेस्ट स्टार्ट करता हूँ और ये स्पीड टेस्ट स्टार्ट हो चुका है,
जो मुझे पिंग मिल रहा है वो 70 MHz का, जो कि क्वाइट बेटर है, बहुत अच्छा है। एयरटेल से तो अच्छा ही, एयरटेल में हमको 80-90 MHz तक पिंग मिलता है। सो गाइस इसमें देख सकते हैं आप लोग 28.8 मिल रहा है, 28.5, तो बस उतना ही 28-30 MHz तक आसपास मिल जाता है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को मिला 28.8 MPS स्पीड मिल रहा है डाउनलोडिंग और 28.1 MPS मिल रहा है अपलोडिंग। फिर से मैं आपको स्पीड टेस्ट दिखा देता हूँ करके कि आपको अच्छे से पता चल जाए। सो गाइस इसमें भी 28 मिल रहा है स्पीड, इसमें भी उतना ही स्पीड मिल रहा है, 20 MHz पिंग मिला है हम लोग को, 28.4 MPS तक स्पीड मिला है हम लोग को JioFiber का 30 MPS प्लान में। तो देख सकते हैं आप लोग, दोबारा मैं स्पीड टेस्ट कर दिया हूँ, 28.4 MPS तक स्पीड मिल रहा है। और साथ साथ बहुत लोग आपका क्वेश्चन होगा कि क्या 22.4 GHz और 5 GHz में कोई डिफरेंस है, तो देख सकते हैं आप लोग मेरा ये फ़ोन 2.4 GHz सपोर्ट करता है, जो कि देख सकते हैं इसमें भी मुझे 30 MPS में फुल स्पीड मिल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा 5 GHz सपोर्ट नहीं करता है फ़ोन, फिर भी मुझे स्पीड सही मिल रहा है। तो अगर आप लोग का क्वेश्चन था कि 28 MPS 30 MPS में आपको क्या 5 GHz 2.4 GHz पे सेम स्पीड मिलेगा, जी हाँ दोनों पे सेम स्पीड मिलेगा। देख सकते हैं आप लोग कि 30 MPS प्लान में 28.5 MPS प्रैक्टिकल स्पीड टेस्ट करके आपको दिखा दिया हूँ। अगर आपको 1 GB फाइल डाउनलोड कर तो आप लोग आराम से 2 से 3 मिनट में आराम डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से अपलोड भी कर सकते हैं 2 से 3 मिनट में। जबकि मुझे यूट्यूब वीडियो अपलोड करने में मेरा अगर 1 GB का फाइल है तो आराम से वो 3 से 4 मिनट में हो जाता है अपलोड, जो कि बहुत ही अच्छा है। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता अपलोडिंग स्पीड में, पहले से बहुत ज़्यादा स्पीड हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम ही बच जाता है। इसलिए JioFiber का जो स्पीड है वो भी बहुत सही है। अगर आपको अगर 100 MPS का प्लान का स्पीड टेस्ट करना है तो आप जरूर बता दीजिए, मैं उसका भी स्पीड टेस्ट करके आपको दिखा दूंगा कि 100 MPS प्लान में क्या स्पीड मिलता है। ऐसे मैं 100 MPS से बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं रिचार्ज कर दिया हूँ, भले वीडियो नहीं बनाऊँ लेकिन उसमें 100 MPS में 90 MPS से ऊपर ही स्पीड रहेगा, 93-92 MPS स्पीड रहता है, तो उसमें भी 100 MPS में इतना ही मिलता है। तो अगर आपको JioFiber लेना है, अगर आपका, मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप लोग के घर में अगर जॉइंट फैमिली है, बहुत सारा फैमिली है और बहुत कोई इंट्रोड्यूस करता है आपके घर में 4K TV है, साथ साथ डेस्कटॉप लैपटॉप और मोबाइल रेजर है, तो आप लोग आराम से, आप लोग अगर 8 डिवाइस से ऊपर आप लोग कनेक्ट करते तो आराम से आप लोग कनेक्ट कर ले लीजिए 100 MPS का प्लान, जो कि आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपके घर में ज़्यादा यूजेस भी नहीं है, नॉर्मल यूजेस है, आपका डाउनलोडिंग भी बहुत कम है, तो आप लोग ले लीजिए 30 MPS का प्लान, जो कि बहुत इनफ है मेरे लिए, तो 30 MPS बहुत इनफ है। इससे मेरा सारा काम बन जाता है और सारा वीडियो साथ साथ 4K वीडियो भी स्ट्रीम कर लेता हूँ। तो अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो आपको इस चैनल में लगता मिल जाएगी। तो आपको लास्ट बताने वाले थे कि इसका रेंज कैसा है मेरा, अगर आपके, अगर आप घर के बीच में ये फायर लगवाते हैं तो अराउंड आपके पूरे फ्लोर पर फुल रेंज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपके रेंज पर। 5 GHz का थोड़ा सा कम रेंज रहेगा, बट वो जहाँ तक रेंज पकड़ेगा आपको सही स्पीड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा रेंज में भी। और अब बात करते हैं आपका इंस्टॉलेशन का, इंस्टॉलेशन बस कुछ नहीं है, आपको माई जियो ऐप में जाना है और गेट JioFiber पर क्लिक करना है, वहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है, आपको साइड में स्क्रीन में मिल जाएगा फिर आपको कैसे करना है, माई जियो ऐप से कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियो आपको इस चैनल में लगता मिल जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सीधे लाइक या डिसलाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छा नहीं आता तो डिसलाइक कीजिए, कुछ ना कुछ तो कीजिए और नीचे कमेंट करिए कि मैं वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई भी एक क्वेश्चन हो या फिर कोई आपके मन में क्वेश्चन हो जो आपको पूछना हो तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपका सभी कमेंट का रिप्लाई करूंगा। चलिए आज के बस इतना ही, मैं तो आपको अगले वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम।